नारायण में कुछ देर रुकने के बाद हम लोग जल्दी गए चिल्लास के जाने। कुछ सफ़र सिर्फ सफ़र नहीं होते, कुछ सफ़र हसीन यादों का मजमुआ होते हैं। एक ऐसे ही सफ़र पे हम आपको लेके जा रहे हैं पाक चाइना बॉर्डर की तरफ, जिसे कहते हैं खंजराब पास। ये सफ़र हमने किया एडवेंचर हंटर्स के साथ। इस सफ़र के अंदर सिर्फ लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान ही नहीं बल्कि कराची यानी पूरे पाकिस्तान से लोग हमारे साथ हैं। इस सफ़र में हमारे साथी थे तकरीबन 65 लोग। अभी हम लोग जा रहे हैं नारायण की जानिब। I walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money. पहला स्टॉप हम लोगों ने किया नारायण में। नारायण में कुछ देर रुकने के बाद और नाश्ता करने के बाद हम लोग चल दिए चिल्लास की जाने। नारायण में कुछ लिए गए ड्रोन शॉट्स दिखाते हैं आपको अपने इस वीडियो के अंदर। खवातिन व हज़रात, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम उसामा शीमा, मैं एक नई वीडियो के साथ आप सभी की खिदमत में हाजिर हूँ दोबारा। और आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मैं चिल्लास के अंदर मौजूद हूँ और आपको मेरे चेहरे से नज़र आ रहा होगा कि मैं इस वक्त फ्रेश नहीं हूँ। उसकी रीज़न यही है कि हम लोग तकरीबन 18 घंटे से सफ़र की हालत में हैं। मेरी राइट साइड पर बैक पर आपको PSO का जो पम्प नज़र आ रहा है, इस चीज़ की निशानदही करता है कि आप लोग चिल्लास के अंदर एंटर हो चुके हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने एक छोटा सा स्टे किया है। एक थोड़ा सा आपको बैक थ्रू दे दूँ, हम एडवेंचर हंटर्स के साथ जो है वो हम लोग इस वक्त इधर टूर पे आए। मंजिल हमारी जो है वो खंजराब पास पाक चाइना बॉर्डर है इंशाल्लाह। इससे पहले हम लोग पहला स्टेज जो है वो हम लोग गिलगित के अंदर करेंगे, रात रहेंगे और उसके अलावा हम गिलगित को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इंशाल्लाह हम एक अच्छा क्वालिटी का टाइम भी स्पेंड करेंगे गिलगित के अंदर। तो गिलगित के बाद हम लोग ओ बिटा जा बिटाई बिटा ते वसई नूर मुझु तो पुजायू। ओ बिटा जा बिटाई बिटा ते वसई नूर मुझु तो पुजायू। ओ मुझु तो पुजायू मन जो उमेदू मुझु तो पुजायू मन जो मुरादू। ओ बिटा जा बिटाई बिटा ते वसई नूर मुझु तो जी। हमारी कोचेज हैं और एक कोच हमारी इस तरफ खड़ी हुई है जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पे आए हैं गिलगित में। और तकरीबन ऑलमोस्ट 65 अफराद जो हैं वो हमारे साथ इस टूर के ऊपर मौजूद हैं। ये साथ आप नज़ारा देखेंगे हमारे होटल के बिल्कुल सामने ये वाला नज़ारा है, खूबसूरत पहाड़, गिलगित की खूबसूरती। ये दूसरी ठंडी के उस तरफ की जी। गुड मॉर्निंग हो गई है, सुबह 9 बज गए हैं। रात को हम इतना लेट आए हैं कि मैं आके वीडियो नहीं बना सका। खाना भी खाया लेकिन वो भी लेट नाइट खाया, और ना इतनी हिम्मत थी कि मैं कैमरा निकाल के वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। अभी के हालात ये हैं कि हम गिलगित में मौजूद हैं और आज हमने आगे मूव करना है हुंजा के लिए। सो गेटिंग रेडी फॉर इट, मैंने अभी भी नहा ली है। बाकी अब जो दोस्त हैं वो रूममेट्स हैं वो नहा रहे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम निकलेंगे सारे। हमारे कुछ हालात हैं रूम के आज हैं आज ही लड़कियाँ खिजर भाई पूरी मौज में।
नाश्ते के लिए भी हमें बुलाया गया। नाश्ता और डिनर जो है कंपनी की तरफ से ही है। रात को डिनर के अंदर हमें जो था वो बिरयानी मिली थी, अभी हम देख रहे हैं नाश्ते में खाने के लिए क्या मिलता है। सो हियर इज आवर नाश्ता विथ अंडा एंड पराठा, साथ में चलो थैंक यू। जिशान भाई ऑर्गेनाइजर एंड सीईओ ऑफ एडवेंचर हंटर्स। यस सर। जिशान भाई माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, सारे जितना भी अभी तक टाइम गुजरा बहुत अच्छा गुजरा। जी जी बिल्कुल। आप कब से ये काम कर रहे हैं, जिस तरह आप सारा कुछ हैंडल कर रहे हैं लग रहा है काफी देर से ये काम? मुझे तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं। असल में मसला ये ग्रुप बहुत बड़ा है, 65 लोग हैं और 65 अलग अलग दिमागों को लेके चल रहे हैं, तो वो फिर आपको पता है कि कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि लोग हाइपर हो जाते हैं और वो कहते हैं कि यार ये चीज़ ऐसी नहीं है, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि मैं तो फुल कोशिश कर रहा हूँ कि अपना बेस्ट दूँ इनको, तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अभी हमारा एक गिलगित में स्टे हो चुका है, बाकी इंशाल्लाह 2 हमजा में है और 1 नारान में है इंशाल्लाह। अच्छा जिशान भाई, हमें ये बताएं कि आप तो प्रोफेशनल हैं, आप हमें थोड़ा सा ये बताएं जो लोग गिलगित साइड पे आते हैं उनके लिए कुछ ट्रैवलिंग के लिए टिप्स आप देना चाहेंगे, जिन लोग पहली दफ़ा ट्रैवल करें वो पहली दफ़ा ट्रैवल करें? तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि फिलहाल पहला जो स्टे है वो चिलास में करें। चिलास से आगे आएंगे तो रोड आप लोगों ने जब रात को देखा है ये रोड, तो वो बिल्कुल इस तरफ खाइयाँ थी आप लोगों को नज़र नहीं है, आप लोग काफ़ी ऊपर थे। जब आप लोग दोपहर या सुबह में गुजरेंगे ना तो आप लोग खुद ही हो जाएंगे यार हम लोग रात को इस जगह से गुजर के आए थे। तो ये थोड़ा रोड का है। बाकी ये है कि मैं ये गवर्नमेंट को सजेशन थोड़ी सी देता हूँ कि जिस तरह स्विट्ज़रलैंड खूबसूरत बना हुआ है, ये जिस तरह पहाड़ है इन पहाड़ों को थोड़ा कलर्स दे दें वो थोड़ा थोड़ा, तो इस तरह पाकिस्तान की टूरिज्म में और भी मतलब इजाफा हो सकता है, इसमें चीज़ें क्रिएट या इस तरह हिसाब से। इंशाल्लाह थैंक यू। गिलगित सिटी जो है गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल है। अब से पाक चाइना इकोनॉमिकल कॉरिडोर का प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तब से गिलगित बल्तिस्तान को एक खासी अहमियत हासिल है, क्योंकि ये सबसे अहम जंक्शन है पाकिस्तान और चाइना का सी पैक के हवाले से। और इसके अलावा यहाँ पे आपको कराक्रम हाईवे की बात करें तो ये भी सबसे मेजर जंक्शन जो है वो गिलगित बल्तिस्तान ही है कराक्रम हाईवे का। और अगर हम उन अफराद की बात करें जो यहाँ पर गिलगित के अंदर रहते हैं तो उनकी टोटल तादाद 1996 का जो एक सर्वे है उसके मुताबिक 216,760 लोग अफराद यहाँ पर गिलगित के अंदर रहते हैं। थैंक यू। याद वाऊ रजमा नामेदार।